अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों Samsung की एक न्यू डिवाइस के बारे में, जिस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट और प्राइस एस्पेक्ट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में जानेंगे Samsung Galaxy A04s के बारे में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कब लॉन्च होने वाले और इंडिया के अंदर कब लॉन्च होगा और कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च होगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और इस डिवाइस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसाइड भी कर पाओगे कि स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए और इतनी प्राइस के अंदर क्या हमें वैल्यू देने वाला स्मार्टफोन होगा या नहीं होगा। वीडियो को आखिर तक देखते रहना, बाकी आज की इस वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस करना, ताकि इन फ्यूचर लेटेस्ट आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बात स्टार्ट करते हैं दोस्तों Samsung Galaxy A04s के बारे में। दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज रखा गया, स्क्रीन का साइज रखा गया है, सबसे पहले अगर डिजाइन देखा जाए, स्मार्टफोन की लुक देखी जाए तो काफी अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन का डिजाइन आपको ब्लैक के अंदर देखने को मिलेगा, और भी कलर्स हैं लेकिन वो एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन अभी सिर्फ ब्लैक एस्पेक्ट है। उसके बाद दोस्तों इसका जो डिजाइन, इसकी लुक जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है। स्मार्टफोन के बैक साइड पे ट्रिपल सेटअप कैमरे के साथ एक LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन की जो लुक रखी गई वो नॉर्मली रखी गई है। इतनी अट्रैक्टिव के साथ साथ दोस्तों इसका जो डिजाइन है वो ब्लैक देखने को मिलेगा। नॉर्मली दोस्तों स्मार्टफोन का जो डिजाइन है, और साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन के खास डिजाइन ही है, जिस तरह से एक लुक देख के इंसान उसकी तरफ चला जाए, लेकिन ये एक सेम सा डिजाइन होगा जो कि पहले भी हमें डिजाइन्स देखने को मिल चुके हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ इस स्मार्टफोन की जितनी भी स्पेसिफिकेशंस रखी गई हैं वो नॉर्मली रखी गई है, इतनी खास प्राइस के अंदर भी ये डिवाइस नहीं आने वाली। और साथ ही साथ अगर बात की जाए स्मार्टफोन के स्क्रीन के साइज की, डिस्प्ले साइज की, तो स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.5 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को मिलता है और साथ में LCD का पैनल देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि स्मार्टफोन के अंदर स्क्रीन का साइज काफी बड़ा देखने को मिल जाता है और स्मार्टफोन का वजन इतना खास नहीं है, तकरीबन 150 के लगभग है, 150 ग्राम के लगभग रखा गया है, लेकिन एक्सपेक्टेड है, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कि कितना वजन है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के रिफ्रेश रेट की, तो 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें 90Hz का रिफ्रेश रेट तो देखने को मिलना ही चाहिए था, लेकिन खैर दोस्तों ये ना सिर्फ, अब बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की, तो ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज बल्कि कैमरा वाइज भी आपको तबाही देखने को मिलेगा। और स्मार्टफोन के अंदर जो परफॉर्मेंस रखी है वो काफी कमाल की रखी है। लगभग अगर देखा जाए तो आप लोग अगर गेमिंग के लिए अपना स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो, अगर आप किसी मकसद के लिए लेना चाह रहे हो, तो दोस्तों गेमिंग इसमें आपको काफी बेहतर देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों आप चिपसेट के हवाले से देख रहे हो, प्रोसेसर के हवाले से देख रहे हो, तो इसमें आपको जो चिपसेट रखा है वो काफी अच्छा है, जो कि Qualcomm Snapdragon 680 के अंदर भी आ रहा है। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो एक्सपेक्टेड चिपसेट रखा गया, प्रोसेसर रखा गया है, वो आपको Exynos 850 का चिपसेट है। लगभग अगर देखा जाए Qualcomm Snapdragon 680 को क्रॉस कर रहा है। अगर देखा जाए दोस्तों स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस काफी हद तक बेहतर होने वाली है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको जो Android 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन का जो कैमरा रखा गया वो तबाही का रखा गया। लेकिन दोस्तों ये जो स्मार्टफोन टारगेट कर रहा है वो अपने चिपसेट को कर रहा है और बैटरी को टारगेट कर रहा है, जो एक अच्छा चिपसेट के साथ साथ बैटरी भी आपको प्रोवाइड करता है, जो गेमिंग के लिए आपको बहुत ही बेहतर रहता है। लेकिन दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरे वाइज की, दोस्तों बैक साइड पर आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा, मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, सेकंड आपको 2 मेगापिक्सल, थर्ड भी आपको 2 मेगापिक्सल। इसके अंदर आपको LAL लेंस के अंदर कोई भी आपको कैमरा नहीं देखने को मिलेगा। और साथ में अगर सेल्फी की बात की जाए दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन सेल्फी एक्सपेक्टेड नहीं है कि हमें 8 के अंदर या 5 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलती है या हमें इससे ऊपर भी देखने को मिले। लेकिन यहां पर बैक पर जो मेन सेंसर रखा गया है, लाइक 13 मेगापिक्सल रखा गया है, इससे ऊपर तो बिल्कुल भी सेल्फी नहीं जाने वाली, लाइक इसके बराबर भी सेल्फी नहीं आने वाली, 8 या 5 मेगापिक्सल के अंदर इसकी सेल्फी देखने को मिलेगी। और एक और साथ है दोस्तों स्मार्टफोन के कैमरे का रिजल्ट नॉर्मली है, इतना खास नहीं है। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों स्मार्टफोन की रैम की, दोस्तों 3GB रैम एक्सपेक्टेड है कि हमें 3GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जो इतनी खास वैल्यू इतनी स्पीड नहीं देने वाला होगा। और साथ ही साथ दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर जो वेरियंट मेमरी के अंदर आ रहे हैं वो 32GB, 64GB और 128GB आ रहा है, लेकिन 4GB वाला वेरियंट भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी दोस्तों अगर बात की जाए स्मार्टफोन की प्राइस की, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन हमें 20,000 से 25,000 के अराउंड देखने वाला होगा। और साथ ही साथ आपको पता है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डॉलर की प्राइस बहुत इंक्रीज हो चुकी है, जिसमें आपको प्राइस आगे पीछे होने का मसला बन सकता है। बाकी अगर इंडियन मार्केट के अंदर देखा जाए दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 10,000 के अराउंड देखने को मिलेगा, और इसी के अराउंड ये डिवाइस आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों अगर बात
बात की जाए स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें तो देखने को मिलेगा वो अगस्त के मंथ के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि अगस्त के अंदर एक्सपेक्टेड है कि हमें अगस्त के अंदर ही देखने को मिल जाएगी ये डिवाइस, क्योंकि अभी जून का मंथ है, उसके बाद जुलाई अगस्त आएगा, अभी तकरीबन डेढ़ मंथ बाकी है, उसके बाद हमें ये डिवाइस देखने के चांसेस हैं कि ये स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा। यकीनन दोस्तों इसी के अराउंड हमें इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगा, या हमें इससे पहले देखने को मिल जाए पाकिस्तान में, शायद बाद में आ जाए, लेकिन पाकिस्तान में पहले आ जाए या बाद में आ जाए तो ये कोई मतलब फर्क नहीं है, लेकिन ज्यादातर जितनी भी डिवाइसेस हमने देखी हुई हैं वो ज्यादातर हमें इंडियन मार्केट के अंदर पहले देखने को मिलती है। दोस्तों अब यहां पर बात करेंगे स्मार्टफोन की बैटरी की। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और साथ में 10 W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर माइक्रो एसडी कार्ड का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल सिम का ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों खास बात यह बताते चलूं कि स्मार्टफोन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो या तो आपको साइड पर देखने को मिलेगा या तो आपको अंडर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, लेकिन जो लो रेंज के स्मार्टफोन होते हैं ना उनके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत कम देखने को मिलता है, या तो साइड पर देखने को मिलता है या बैक साइड पर देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको अंडर डिस्प्ले पर या तो साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बस दोस्तों इस डिवाइस के बारे में यही कुछ चीजें थी जो आज की इस वीडियो में मैंने आपको कंफर्म की है। और दोस्तों आपने मुझे बताना है कि इस डिवाइस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, क्या मसला है, क्या डाउट्स हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन मैंने कोशिश की है जितने भी आपके डाउट्स थे वो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर सकूं। बाकी दोस्तों अगर कुछ भी रह चुका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस डिवाइस के हवाले से जो कुछ भी है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताते जाना। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।